खबर सुहागपुर से। जनपद पंचायत अध्यक्ष संघीय प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अधिकारियों से संबंधित सौंपा मांग पत्र। सुहागपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष संघीय प्रदेश अध्यक्ष जालम सिंह पटेल ने आज जनपद पंचायत अध्यक्ष संघ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके समक्ष जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के विभिन्न अधिकारियों से संबंधित मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष जालम सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत अध्यक्ष संघ का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें आज उन्होंने संघ के अन्य पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों के अधिकारों को पहले की तरह देने की मांग की, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन। आप कई दिनों से भेंट करना चाहते थे, मैंने आज तय किया कि आप सबको मिलूंगा और चर्चा और बातचीत करूंगा। आपने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुझे सौंपा है, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे आपका कुल मिला के हस्तक्षेप और अधिकार उसमें रहे। अब उसके शब्द क्या होंगे वो जरा ढंग से एक बार देख के लिखेंगे, फिर गरिमा के अनुरूप मानदेय और पारदर्शिता। मैं गरिमा के अनुरूप भी जो आवश्यक वृद्धि करना आपके मानदेय पे वो मैं निश्चित तौर पर करूंगा, ताकि आपको काम करने में सुविधा हो, आप अपना काम कर सके। और वैसे ही जनपद उपाध्यक्ष और सदस्यों के भी मानदेय में वृद्धि करने का मैं काम करूंगा, ताकि बच्चे आपकी जिंदाबाद। आज जनपद संघ के पूरे प्रदेश से पधारे हुए समस्त अध्यक्षों के विशिष्ट निवेदन पर हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, आपके साथ सभी लोग तालियों से आप स्वागत करते हैं। आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री श्री रामपाल सिंह जी हमारे बीच उपस्थित, आप सभी उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ और आदरणीय भाई साहब मामा जी के प्रिय आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, आप हमारे सभी सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ है, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय भाई साहब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से हमारे जनपद अध्यक्षों की तरफ से मैं एक पूरा निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिनों से हम लोग आपसे प्रयास करते और आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं सभी लोग। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।